फिल्म इंडस्ट्री को लगातार दूसरे दिन एक और बड़ा झटका लगा। बुधवार को इरफान खान के जाने का गम अभी तक खत्म भी नहीं हुआ था कि गुरुवार को एक और दिग्गज अलविदा कह गए। ऋषि कपूर ने गुरुवार को मुंबई के अस्पताल में अंतिम सांस ली। बॉलीवुड के कई अभिनेता, देश के नेता समेत कई बड़ी हस्तियां उन्हें श्रद्धांजलि दे रही है। ऋषि कपूर कैंसर से पीड़ित थे और गुरुवार को मुंबई के अस्पताल में 67 साल की उम्र में उनका निधन हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, गृह मंत्री अमित शाह, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी ट्वीट करके ऋषि कपूर को अंतिम श्रद्धांजलि दी। हर कोई एक आवाज में यही कह रहा है कि ऋषि कपूर का जाना देश के लिए बड़ा झटका है, फिल्म जगत के लिए अपूर्णीय क्षति बताया गया है इसे। बॉलीवुड अभिनेता आमिर खान ने ऋषि कपूर के निधन पर लिखा कि आज हमने एक महान को गवा दिया, एक शानदार अभिनेता, बेहतरीन इंसान और सिनेमा के सच्चे सपूत आज हमारे बीच नहीं रहे। आमिर खान के अलावा सलमान खान ने भी ऋषि कपूर को अलविदा कहा और कहा कि कहा सुना माफ। स्वर कोकिला लता मंगेशकर भी ऋषि कपूर के निधन से भावुक दिखी। अपने एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि जब ऋषि 6 महीने के थे तब उन्होंने उन्हें गोद में उठाया था। लता मंगेशकर ने ट्विटर पर एक भावुक कर देने वाली तस्वीर भी साझा की। देश के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने ट्वीट करते हुए लिखा कि फिल्म अभिनेता ऋषि कपूर के निधन से काफी दुखी हूं। उनके जाने से देश ने एक बेहतरीन अभिनेता को खो दिया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी ऋषि कपूर के निधन पर दुख व्यक्त किया। पीएम नरेंद्र मोदी ने भी ऋषि कपूर को याद करते हुए ट्वीट करते हुए लिखा, ओम शांति। हमारे देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी ऋषि कपूर को याद करते हुए ट्वीट करते हुए लिखा, उनके परिवार, शुभचिंतकों और प्रशंसकों के प्रति मेरी शोक संवेदनाएं। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।